वैसे जब एकांश नाम का एक एनिमेटेड शो का पहला टीजर आया था, तब मैंने ही एक सरकैज़म कैप्शन के साथ इसे आप लोगों के साथ शेयर किया था। और कैप्शन ये था कि हमें नागराज का तो एनिमेटेड सीरीज देखने नहीं मिल रहा है, तो एकांश से ही काम चला लेते हैं। और मैंने इसे बहुत ही कैजुअली पोस्ट किया था, जस्ट टू कीप अपडेट यू गाइज कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। बट फिर कुछ दिनों बाद जब मैंने दूसरे सोशल मीडिया पर देखा तो इस पर लोगों की अच्छी खासी डिबेट चालू थी कि एकांश नागराज का कॉपी है, और कुछ लोग तो इस पे कॉपीराइट केस फाइल करने की भी सजेस्ट कर रहे थे। और उसके बाद जैसे कि अक्सर होता है, काफी लोगों ने मुझसे डिमांड किया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। पर इस पर वीडियो बनाने में दो प्रॉब्लम थी कि एक तो इस शो से रिलेटेड काफी कम जानकारी थी कि इसके मेकर्स कौन है और इनका फ्यूचर प्लान क्या है एक्सेट्रा। वैसे थोड़ी बहुत मेहनत के बाद थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिल गई है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि ये शो ओनली किड्स के लिए है जो कार्टून नेटवर्क पे आता है, और चूंकि मेरे पास हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम और सोनी लिव के अलावा किसी दूसरे ओटीटी का सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो मैं इसे आसानी से नहीं देख सकता। और मेरे पास डिश कनेक्शन भी नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं इसे टीवी पे भी नहीं देख सकता। और रही बात टेलीग्राम और टोरेंट की, तो मैं तो इनके सख्त खिलाफ हूँ। अब तो सच बोल दे के? हाँ, कभी कभी मैं यूज कर लेता हूँ, बट ट्रस्ट मी मुझे ये नहीं मिला। तो कम डिटेल्स और किड्स कंटेंट होने के कारण एक ओर जहाँ मैं इस पे कुछ बनाना अवॉइड कर रहा था, तो वहीं दूसरे ओर इसे नागराज का कॉपी बताने जैसे डिबेट के कारण मैंने सोचा कि यस, इसके ऊपर एक वीडियो तो बनता ही है। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक पे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे हर वो छोटी बड़ी बातें जिससे शायद अब तक आप वंचित रह गए होंगे। तो वीडियो अंत तक देखना दोस्तों, और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि असिशन रेज की तरह आपको भी चैनल को ढूंढने में कोई डिफिकल्टी न आए। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं इसके मेकर्स की, जो है कोलकाता बेस्ड हाईटेक एनिमेशन। वैसे इस एनिमेशन स्टूडियो के बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, बट कुछ न्यूज आर्टिकल्स के थ्रू ये जरूर पता चल गया कि ये और भी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो जल्द ही हमें देखने मिलेगा। अब अगर इस शो की बात करें तो एकांश का ये नाम और कॉन्सेप्ट लिया गया है पोकेमॉन गेम से, जिसमें एकांश एक पावरफुल स्नेक होता है और यही स्नेक एकांश को एक नागमणि गिफ्ट करता है उसके सुपर हीरो वाली देखकर। पर चूंकि एकांश खुद एक टेक सेवी होता है, इसलिए वो नागमणि और टेक्नोलॉजी को यूज कर अपनी पावर को और एडवांस कर लेता है और बन जाता है एकांश, जो अपने रोबोटिक स्नेक को अपने बेल्ट में रखता है और उसे अपने माइंड से कंट्रोल करता है। वैसे अब तक के कॉन्सेप्ट और ओरिजिन को देखते हुए एक्चुअली में डॉक्टर ऑक्टोपस को गुस्सा होना चाहिए, न कि नागराज को। पर फिर भी काफी लोग इसे नागराज का ही कॉपी बता रहे हैं, जिसका मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा, क्योंकि एक ओर जहां नागराज की पावर प्योर बायोलॉजिकल है, तो वहीं एकांश का पूरा पावर टेक्निकल है। नागराज जहां जिंदा स्नेक यूज करता है, वहीं एकांश रोबोटिक स्नेक। तो ओवरऑल ये नागराज से कहीं भी सिमिलर नहीं है। पर फिर भी इसे अगर ओनली स्नेक के नाम पर इसे कॉपी बताएंगे और इस पे केस करने की सलाह देंगे, तो भाई इस हिसाब से तो राज कॉमिक्स के लगभग 90% कैरेक्टर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते नजर आएंगे। एंड फनी पार्ट इज, हम आरसी के कैरेक्टर्स को आज तक इंस्पायर्ड बोलकर ही डिफेंड करते आए हैं, कुछ कुछ तो काफी सिमिलर होने के बावजूद। तो इस कैरेक्टर के लिए हम किस बेस पर इसे सीधे कॉपी बोलेंगे? तो इस फिक्शनल वर्ल्ड में हमें इन सब चीजों को एक्चुअली अवॉइड करना चाहिए। वैसे मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था, आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक कर इसे देख सकते हैं, या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो भाई डॉक्टर ऑक्टोपस और नागराज के बाद कुछ लोग इसके मास्क को भी क्रिस का कॉपी बता रहे हैं। देखा, फिर तुमने समस्या बदल डाल। वही तो, एक कैरेक्टर में इतनी समस्या, इतने सारे सुपर हीरोज की क्वालिटी मिल रही है कि इसका नाम एकांश नहीं कॉकटेल रख देना चाहिए। बट थैंक गॉड लोगों ने इन तीनों के अलावा किसी और का इल्जाम इस पे नहीं लगाया है। तो भाई मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर को कॉपी बोलकर इसकी जान लेने के बजाय इस शो को देखकर आप इसके बारे में थोड़ा जान लें, ताकि हम ऐसे डिबेट में फंसने के बजाय इस शो को थोड़ा एंजॉय कर सकें। वैसे जिसने भी ये शो देखा है उसने उसकी तारीफ ही की है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि अगर आपको मौका मिले तो आप भी ये शो जरूर देखें। हालांकि मैं भी सोच रहा था कि ये शो देख लूं, पर चूंकि मेरे घर पे डिश कनेक्शन ना होने और मेरा टेलीग्राम और टोरेंट के खिलाफ